नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना खास होने वाला है कि एक छोटी सी रेमेडी मैं बताऊंगा जिससे कि आप अपने चेहरे को गोरा कर सकते हैं और आपके चेहरे पर जो दाग धब्बे हैं उनको भी हटा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताता हूँ कि किस प्रकार आप आज का फैशन का दौर जो चल रहा है उसमें हर व्यक्ति सुंदरता की दौड़ में शामिल होना चाहता है। वैसे तो सुंदरता का कोई पैमाना नहीं होता है, लेकिन फिर भी कई बार सुंदरता को रंग से जोड़ दिया जाता है। तो गोरा रंग दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है, वह हर लड़का और लड़की की पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देता है। तो इसलिए गोरे लड़का और लड़की को देखकर लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लेंगे पॉन्ड्स पाउडर। तो देखिए, पॉन्ड्स पाउडर में ऐसे गुण होते हैं, पॉन्ड्स पाउडर हम बचपन से लगाते हुए आ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि पॉन्ड्स पाउडर की मदद से अपने चेहरे की सुंदर अपने चेहरे पर इसको इसका एक ऐसा पेस्ट हम बनाएंगे जिससे कि आप अपने चेहरे पर दाग धब्बे पिंपल्स के को रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए, जो चेहरे का रंग होता है उससे व्यक्ति का आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ वह शर्मिंदगी महसूस नहीं करता है और वह अपने काम में लगा रहता है, यानी कि ज़्यादा ध्यान उसका अपने चेहरे की तरफ नहीं जाता है। देखिए, आजकल की आधुनिकता के दौर में प्रदूषण भरा वातावरण और गलत जीवन शैली के कारण लोगों की त्वचा का रंग सांवला और काला पड़ जाता है। तो अब गोरे रंग की चाहत जिन लोगों की है उनको कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक ऐसा घरेलू नुस्खा जिसकी मदद से आप अपने चेहरे को गोरा और सुंदर बना सकते हैं। तो मैं लूंगा एक कटोरी और कटोरी में लूंगा पॉन्ड्स पाउडर। तो इस तरीके से मैं पॉन्ड्स पाउडर ले लेता हूँ। अब इसमें हमें लेना है गुलाब जल। तो देखिए, गुलाब जल में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी स्किन से डेड सेल्स को निकालती हैं और बंद पड़े रोम छिद्रों को खोलती हैं। हमारी स्किन पे जो रोम छिद्र होते हैं उनके अंदर जो मैल जम जाता है उसको ये गुलाब जल मॉइस्चराइजिंग का काम करता है। देखिए, इसमें हमने पॉन्ड्स पाउडर जो लिया था, अब इसमें हम ले लेते हैं गुलाब जल। तो गुलाब जल हमने हल्की मात्रा में लेकर अब इसको प्रॉपर तरीके से चम्मच की सहायता से इस पेस्ट को ऐसे बना लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा एक ये फेस पैक बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, ज़्यादा लिक्विड हो गया है इस वजह से, तो इसमें मैं पॉन्ड्स की मात्रा पॉन्ड्स पाउडर की मात्रा और मिला देता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको अपने चेहरे पर और गर्दन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आपको पॉन्ड्स पाउडर लेना है। पॉन्ड्स पाउडर देखिए, बचपन में जब हमारे घमोरियाँ हो जाती थी और मम्मी मम्मी हमारी घर में पॉन्ड्स पाउडर लगाती थी, गर्मियों के कारण हमारी स्किन में जलन होती थी, तो हम पॉन्ड्स पाउडर का यूज़ करते थे पीठ पर और गर्दन पर। पर इस तरह का फेस पैक अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो देखिए, इस तरीके से हमारा पॉन्ड्स और गुलाब जल का फेस पैक बनकर तैयार है। अब देखिए, इसको अपने चेहरे पर अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है कि इसको ऐसे हाथों से लेकर, ये कॉटन की मदद से भी आप ले सकते हैं, तो इस तरीके से आपको अपनी स्किन पर रब करना है। देखिए, थोड़ा लिक्विड हो गया इसलिए मैं ऐसे डाल देता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने चेहरे पर लगाइएगा और 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही रखा रहने दीजिए और उसके बाद साफ पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए। आपने गर्दन पर अप्लाई किया है ये फेस पाउडर, तो आप गर्दन को साफ कर लीजिए साफ पानी से। आप देखेंगे कि आपकी स्किन में से जो गंदा मैल होगा वो निकलना चालू हो जाएगा और आपकी स्किन गोरी दमकती और सुंदर बन जाएगी। तो वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी ऐसे अच्छे अच्छे नुस्खे आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए चलता हूँ और नए वीडियो में नए नुस्खे के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।